हे गाइस वेलकम्स आल ऑफ यू कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आज हम यहाँ पे एक अच्छा दस नया चैप्टर लेके आए हैं जिसके कुछ कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर करवाएंगे और तो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से जो है आपके दस नंबर के क्वेश्चन आते हैं ठीक है और ये मतलब समझ लीजिए फ्री का नंबर मिलता है और लेकिन हम क्या करते हैं पढ़ते हैं भूल जाते हैं पढ़ते हैं और भूल जाते हैं तो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ नहीं सिर्फ और गुड़ा भाग करना और जोड़ना है बस बाकी किसी प्रकार का कोई विशेष इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है जी हम बात कर रहे हैं कि सांख्यिकी जिसको बोलते हैं स्टेटिक्स ठीक है तो ये इसको एक और नाम से आता है इसको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसमें जो कुछ आंकड़े दिए होते हैं अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें जो हम निकालते हैं माध्य माध्यिका और जो बहुलक निकालते हैं वो सब क्या होते हैं कि जो आंकड़े होते हैं उनको अगर हम व्यवस्थित क्रम में रखें तो इनका जो आंकड़ों का ये जो निकलता है माध्य बहुलक माध्यिका हमेशा क्या होता है उसी केंद्र में रहने का किसी एक संख्या के आसपास रहने का प्रयास करते हैं या फिर उसी के आसपास रहते हैं तो इसीलिए इसको बोला गया है क्या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अब चूंकि ये तीन प्रकार के होते हैं ये एक होता है माध्य एक होता है बहुलक और एक होता है माध्यिका माध्य को क्या बोलते हैं मीन बोलते हैं मीन और इसको बोलते हैं मोड इसको क्या बोलते हैं मीडियन आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग एक काम करिएगा वीडियो को जो है रोक करके फिर से प्ले करिएगा और रिफ्रेश कर लीजिएगा ठीक है तो यहां पे क्या माध्य बहुलक और माध्यिका, ठीक है तो सबसे पहले हम जो है माध्य पढ़ेंगे यहां पे जो माध्य होता है होता क्या है अभी तक जैसे हमको बताया गया कि जो माध्य होता है कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या यहां पे यह बताया गया कि जो माध्य होता है वो क्या बोलते हैं कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या ठीक है तो ये बताया गया ना ये होता क्या है इसको हम आज जानेंगे ठीक है सपोज करो कि आप चार दोस्त हो ठीक है आप चार दोस्त हो और क्या ए बी सी और डी ए के पास तीन टॉफी है ए के पास तीन टॉफी है और इसके पास बी के पास दो टॉफी है सी के पास कितना हो जाएगा सी के पास हम कुछ मान लेते हैं सी के पास पांच टॉफी है ठीक है और यहां पे डी के पास भी दो टॉफी है ठीक है तो यहां पे हमको क्या करना है कुछ ऐसा करना है कि सारी टॉफी को मिला दें उसके बाद क्या करें सबको बांट दें कि क्या हो जाए सबको जो है समान मात्रा में टॉफी मिल जाए समझ रहे हैं ना बस कुछ और नहीं करना माध्य जो करना है कि जितने लोग हैं सबको बराबर कर दिया जाए जितने लोग हों सबको बराबर मात्रा में टॉफी दे दी जाए दे दी जाए ये बस हमको यही करना है और कुछ नहीं करना है ठीक है अब उसके कुछ अलग अलग मेथड्स हैं अब जैसे देखो यहां पे हम क्या करेंगे हमने कहा कि कुल पदों का योग तो हम क्या करेंगे ए के पास जितनी टॉफी है B के पास जितनी टॉफी है सी के पास और डी के पास सबको जोड़ लेंगे कितने लोग थे चार लोग थे ना चार लोगों में बांटना है ना जैसे मैंने कहा कि पंद्रह चॉकलेट है इसको तीन लोगों में बांटना है और बराबर बराबर बांटना है तो हम क्या करते हैं कुल चॉकलेट को तीन से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक को कितना पांच पांच आएगा ना ठीक है तो यहाँ पे क्या हो गया ए के पास कितना था तीन था बी के पास दो था सी के पास पांच था डी के पास दो था तीन दो पांच 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 दस दो बारह और कितने लोग थे चार तो ये हो जाएगा बारह बटे में चार चार एक नाम चार चार थी बारह मतलब कि यहां पे पर हेड कितना आएगा तीन टॉफी आएगी मतलब कि प्रत्येक को तीन टॉफी देना है और इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को औसत भी बोला जाता है क्या बोला जाता है औसत बोला जाता है ठीक है और इसी को क्या बोला जाता है इसी को माध्य भी जाता बोला जाता है माध्य बोला जाता है ना माध्य मतलब मीन ठीक है तो यहां पे सबसे पहले हम आज माध्य पढ़ेंगे और माध्य के जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने की हमको यहां पर तीन विधियां पढ़ाई जाएंगी ठीक है सबसे पहले पहले हम जान लेते हैं माध्य क्या होता है कुल संख्याओं का योग कर लेंगे यानी कि कुल जितने पद दिए होंगे उनके मान का योग कर लेंगे उसके बाद जितने पद होंगे पदों की संख्या से अगर हम भाग दे देंगे तो जो हमको औसत मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे माध्य बोलते हैं दूसरा क्या था बहुलक था क्या था बहुलक था तो जो आंकड़े दिए होंगे इसमें जो आंकड़ा सबसे अधिक बार होगा जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा दो चार दो छ चार दो दो आठ दो दस पंद्रह ठीक है अब मैंने इसमें कहा इसका बहुलक बताओ तो देखेंगे क्या है यहाँ पे कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है किसकी किसकी आवृत्ति ज्यादा है किसकी बारंबारता सबसे अधिक है तो देखो यहां पे दो एक बार है दो दो बार है दो तीन बार है दो चार बार है दो पांच बार है बाकी चार कितनी बार है चार यहाँ पे एक और दो बार है छह कितनी बार है एक बार है दस एक बार है पंद्रह एक बार है तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है दो दो कितनी बार है दो यहां पे कितनी बार हो गया भाई एक दो तीन चार पांच दो जो है पांच बार है तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इन आंकड़ों में जो संख्या दो है वो कितनी बार आई है पांच बार और सबसे अधिक बार यहां पे हम बोलेंगे जिस पद की आवृत्ति बारंबारता या फिर फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक होती है उसे क्या कहते हैं उस पद के मान को उस पद के मान को उस मान को उन आंकड़ों का बहुलक कहते हैं क्या है माधिका माधिका बोले तो जिसे बोलते हैं हम मीडियन ठीक है मीडियन में क्या है मान लो कुछ आंकड़े दिए हुए हैं दो उसके बाद तीन पांच फिर चार आठ बारह ठीक है ऐसे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे इन आंकड़ों को या तो क्या लिखेंगे आरोही क्रम में कर लेंगे ठीक है उसके बाद या फिर अवरोही क्रम में ठीक है इसमें करने के बाद आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा ठीक है तो सबसे छोटा यहाँ पे दो हो गया दो से बड़ा क्या होगा तीन होगा तीन से बड़ा चार चार से बड़ा पाँच पाँच से बड़ा छ छ के बाद देखो सात है कहीं पे सात नहीं फिर आठ आठ के बाद नौ नहीं है ना दस है ना ग्यारह सीधे बारह ठीक है अब क्या करेंगे देखेंगे इसमें जो बीच में पद पड़ रहा है देखो यहां पे एक दो तीन चार पांच छे सात क्या एक दो तीन चार पाँच छ सात तो बीच में क्या होगा चौथा पद चाहे इधर से गिनो इधर से गिनो जो चौथा पद होगा वही क्या हो जाएगा माध्य का कहलाएगा मीडियन कहलाएगा तो चलिए सबसे पहले हम समांतर माध्य की बात करते हैं तो हमको क्या करना हमको है हमको माध्य निकालना है माध्य इसको दिखाते हैं एक्स बार से इसको क्या बोलते हैं मीन बोलते हैं ठीक है एक्स बार से प्रेजेंट किया था कि इसको माध्य को तो देखो माध्य को ज्ञात करने की दो विधियां हैं सबसे पहले इसको बोलेंगे हम प्रत्यक्ष विधि प्रत्यक्ष विधि ठीक है प्रत्यक्ष विधि बोले तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड ठीक है डायरेक्ट मेथड दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा यहां पे हो जाएगा अप्रत्यक्ष विधि ठीक है या फिर इसको कह देंगे हम इनडायरेक्ट मेथड ठीक है यहां पे इसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट मेथड ठीक है अब देखो प्रत्यक्ष विधि में तीन विधियां हैं सबसे पहले जब आंकड़े क्या हूं कृत हूं ठीक है आंकड़े कैसे हूं आवर्गीकृत हूं उसके बाद ठीक है दूसरा हो जाएगा जब आंकड़े आवर्गीकृत किंतु सारणीबद्ध क्या हूं सारणीबद्ध अर्थात बारंबारता दी हो ठीक है तीसरा क्या हो जाएगा जब आंकड़े कैसे हों वर्गीकृत हूं क्या हूं जब आंकड़े वर्गीकृत हूं ठीक है अब देखो यहां पे क्या करना हमको अप्रत्यक्ष विधि में दो विधियां पढ़ी है, पढ़नी है हमको पहला क्या है कल्पित माध्य विधि ठीक है और इधर क्या हो जाएगा कहीं पे पग लिखा होता है कहीं पे पद लिखा होता है पद विचलन विधि ठीक है कहीं पे पग लिखा होगा कहीं पे पद लिखा होगा तो यहां पे कल्पित माध्य विधि और क्या है पद विचलन विधि अब यहां पे इन दोनों के लिए भी वही है पहला क्या इसके लिए भी और इसके लिए भी जब आंकड़े अब वर्गीकृत हो दूसरा जब आंकड़े आवर्गीकृत किंतु बद्ध हो यहां पे अर्थात बारंबारता दी हुई हो ठीक है तीसरा क्या हो जाएगा जब आंकड़े क्या हों वर्गीकृत हो ठीक है अब देखो यहां पे देखो अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने का मुख्य कारण है कि लंबी कैलकुलेशन से बचना लंबी गणना से बचना यहां पे लिखेंगे इन विधियों का प्रयोग इन विधियों का प्रयोग लंबी गणना से बचने के लिए किया जाता है अगर आज ये पढ़ लेंगे आप ना तो आपके दस नंबर एकदम लीजिए रिजर्व हो जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे दस नंबर बस आपको क्या करना है जो मैंने यहां पे लिखाया उसको आप लिख लीजिए उसके बाद फिर मैं एक एक करके क्वेश्चन करवा रहा हूं नोट कर लीजिए इसको फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूं प्रत्यक्ष विधि मीन्स डायरेक्ट मेथड ठीक है डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला क्या था जब आंकड़े जब आंकड़े आवर्गीकृत हों ठीक है आंकड़े आवर्गीकृत होंगे तो इसके लिए फॉर्मूला था समांतर माध्य या फिर माध्य बराबर यहां पे माध्य x बार बराबर कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या जैसे की माना कुछ पदों ठीक है इसको हम दिखाते हैं सिग्मा ऑफ एक्स बटे में एन ठीक है माना कुछ पदों के मान क्रमशः यहाँ पे कुछ नहीं एन पदों के मान लिख लो एन पदों के मान क्रमशः एक्स वन एक्स टू डैश डैश एक्स एन ऐसे दिए ना कुछ पद दिए इन पदों के मान इतने दिए हैं ठीक है तो हमने यहाँ पे लिखा कि जो सम, जो माध्य होगा माध्य एक्स बार बराबर कुल पदों का योग पद कितने हैं एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डैश डैश यहाँ पे प्लस एक्स एन ठीक है कुल कितने पद थे यहाँ पे माना एन पदों का था ठीक है तो एन पद हो गए ठीक अब यहाँ पे एन पद हो गए तो हम इसको लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पे हो जाएगा एक बटे में एन ठीक है सिग्मा ऑफ ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आई लिखेंगे और एक और यहाँ पे एन और ये हो जाएगा एक्स ठीक है और ये हो जाएगा आई ठीक कहने का मतलब ये जो आई है ना आई का मान एक दो तीन डैश डैश एन तक ठीक है यहाँ पे हम को ऐसे रखते हुए रखते हुए क्या करेंगे इसको जोड़ लेंगे ऊपर के सारे पद को जोड़ लेंगे और फिर एन से भाग दे देंगे एक सवाल करते हैं चलिए कुछ आंकड़े दिए हुए हैं दस बीस छत्तीस चालीस आंकड़े हैं दस बीस छत्तीस चालीस उसके बाद छप्पन साठ सत्तर छप्पन साठ सत्तर बहत्तर अस्सी अट्ठासी बहत्तर अस्सी अट्ठासी उसके बाद है फिर बानवे पंचानवे क्या है बानवे और पंचानवे क्रॉस चेक कर लेते हैं मैंने सही लिखा कि नहीं हाँ दस बीस छत्तीस ठीक है दस बीस छत्तीस चालीस चा, हाँ, चालीस पचास देखो पचास छूट गया यहाँ पे बीच में पचास भी है चालीस पचास और छप्पन उसके बाद फिर साठ सत्तर बहत्तर अस्सी अट्ठासी बानवे पंचानवे ठीक है हमको क्या करना है हमको निकालना है समांतर माध्य सॉरी माध्य माध्य निकालना x एक्स बार हमें नहीं पता है लेकिन हमने पढ़ रखा है कि अभी मैंने बताया कि जो माध्य होता है माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है कुल पदों का योग या फिर एक बटे में एन यहाँ पे सिग्मा ऑफ ये हो जाएगा एक्स और आई मान एक से लेके एन तक यही पढ़ा है ना तो हम इसको लिखेंगे एन यहाँ पे देखेंगे कितने पद हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह कितने पद हैं टोटल टोटल यहाँ पे तेरह पद हैं कितने भाई टोटल यहाँ पे तेरह पद हैं ऊपर इन सब जोड़ना है ये दस हो गया ये बीस हो गया छत्तीस हो गया चालीस हो गया पचास हो गया छप्पन हो गया उसके बाद साठ हो गया सत्तर हो गया फिर यहाँ पे बहत्तर होगा अस्सी हो जाएगा और मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ नहीं तो दिखाई नहीं देगा अट्ठासी हो जाएगा बानबे होगा और पंचानबे होगा इन सब को जोड़ लेते हैं यहाँ पे x बार बराबर इन सब को जोड़ते हैं चलो जोड़ते हैं यहाँ पे आठ दो दस सबका इकाई अंक जोड़ते चले आते हैं ठीक है आठ दो दस दस पांच पंद्रह 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 छह इक्कीस 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 छ सत्ताईस सत्ताईस दो उनतीस उनतीस के नौ हासिल लगा दो आठ दो दस दस नौ उन्नीस उन्नीस नौ अट्ठाइस अट्ठाइस एक उनतीस उनतीस दो इकतीस इकतीस तीन चौंतीस चौंतीस चार अड़तीस अड़तीस पांच तिरालीस तिरालीस पाँच सैंतालीस सैंतालीस छह तिरपन तिरपन सात साठ साठ सात सड़सठ और सड़सठ में आठ जोड़ देंगे तो पचहत्तर आ जाएगा बटे में तेरह हो गया ठीक है यहाँ पे कितना हो गया तेरह हो गया कितना आ गया सात सौ उनहत्तर ठीक है सात सौ उनहत्तर बटे में तेरह ठीक है मैंने सही लिखा ना दस बीस छत्तीस ठीक है चालीस पचास छप्पन साठ सत्तर बहत्तर अस्सी अट्ठासी बानबे पंचानवे ठीक है एक बार फिर से जोड़ लेते हैं आठ दो दस दस पाँच पंद्रह पंद्रह दो सत्रह 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 छः तेईस 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 छः उनतीस हो गया उनतीस के नौ हासिल दो हो गया ठीक है अब आठ दो दस दस नौ उन्नीस उन्नीस नौ अट्ठाईस अट्ठाईस एक उनतीस उनतीस दो इकतीस इकतीस तीन चौंतीस चौंतीस चार अड़तीस अड़तीस पाँच तिरालीस तिरालीस पाँच यहाँ पे हो जाएगा अड़तालीस अड़तालीस छः चौवन चौवन सात ये हो जाएगा तुम्हारा इकसठ इकसठ सात यहाँ पर हो जाएगा अड़सठ और, और ये हो जाएगा छिहत्तर एक मैंने जोड़ने में गलत कर दिया था ये छिहत्तर हो गया ठीक है अब हम क्या करते हैं इनको भाग दे देते हैं ठीक है तेरह चौकवाओन तेरह पचे पैंसठ चलो दसमलव में जाएगा इधर भाग दे देते हैं सात छः नौ ये तेरह हो गया तो यहाँ पे जाएगा तेरह पचे पैंसठ एक बचा एक बचा नौ तेरह नवैया एक सौ सत्रह दो बचा दसमलव लगाए जीरो बढ़ाए तेरह कन्नम तेरह सात तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x बार बराबर उनसठ दशमलव एक इसको आप चाहेंगे तो दशमलव के दो स्थान तक निकाल सकते हैं आई होप आपके समझ में आया होगा ये समझ में आया ना ठीक है चलिए आगे करते हैं हम अभी इसको अगर एक अंक और ले जाना चाहें तो हम यहाँ दसमलव का एक जीरो बढ़ा देंगे तेरह बचे पैंसठ ते यहाँ पे पाँच लगा दो पाँच बार जाएगा फिर पाँच बचेगा मतलब कटेगा नहीं ऐसे आगे जाता जाएगा ठीक है तो इतना आ गया ना समझ में आ इसको उतार लीजिए फिर दूसरी विधि बता चलो एक सवाल इस विधि से और कर लेते हैं इस विधि से एक सवाल और कर लेते हैं हम यहां पे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं आंकड़े जो हैं तेरह सत्रह इक्कीस कितने हैं तेरह सत्रह इक्कीस उसके बाद अट्ठाईस उनतालीस तेईस अट्ठाईस उनतालीस तेईस आगे क्या है सैंतीस और उनचास सैतीस और उनचास इनका हमको क्या बताना है समांतर माध्य बताना है माध्य बताना है माध्य ठीक है हमको एक्स बार निकालना है मतलब यहाँ पे माध्य मीन निकालना है, मीन ठीक है तो हम क्या करेंगे हमने अभी बताया कि कुल पदों का योग बटे में तो ये एक्स बार बराबर यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा तेरह प्लस सत्रह प्लस इक्कीस प्लस अट्ठाईस प्लस उनतालीस प्लस का तेईस प्लस का सैंतीस प्लस का उनचास बटे में देखो कितने पद हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ कितने पद हैं भाई आठ पद हैं अब हम क्या करेंगे सबको जोड़ लेते हैं सबको जोड़ लेते हैं चलो सबके इकाई का अंक जोड़ते हैं नौ सात सोलह सोलह तीन उन्नीस उन्नीस नौ अट्ठाईस अट्ठाईस आठ छत्तीस छत्तीस एक सैंतीस सैंतीस सात चौवालीस चौवालीस तीन सैंतालीस के साथ से लगा चार 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 आठ आठ तीन ग्यारह ग्यारह दो तेरह तेरह तीन सोलह सोलह दो अट्ठारह अट्ठारह दो बीस बीस एक इक्कीस इक्कीस एक ये बाईस हो गया बटे में आठ आ गया ठीक है फिर क्या करेंगे हम फिर भाग दे देते हैं यहाँ पे यहाँ पे हम भाग देंगे कितने से दो सौ सत्ताईस को आठ से भाग देंगे तो आठ दूनी सोलह हो गया कितना बचा छः बचा यहाँ पे सात हो गया आठ अठाई चौंसठ हो गया सात में से चार गया तीन बचा दस मौ लगाए जीरो बढ़ाए और आठ तरीक चौबीस छः दस मौ लगाए जीरो बढ़ाएंगे आठ सतेह छप्पन चार बार जाएगा आठ पंचे चालीस ठीक है देन यहाँ पे एक्स बार इज इजिक्वल टू आ जाएगा ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री सेवन फाइव ठीक है ये हुआ राइट आंसर आप इसको उतार लीजिए चलिए अब हम दूसरा सवाल करते हैं जब आंकड़े कैसे दिए हों? आंकड़े दिए हों आवर्गीकृत किंतु कैसे हों सारणीबद्ध हों। आंकड़े कैसे दिए हों? जब आंकड़े जब आंकड़े आवर्गीत बद्धों। मीन्स उनकी क्या दी हो उनकी बारंबारता दी हुई हो कैसे जैसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एक टेबल दी हुई है इधर दे रखा है एक्स और यहां पे दे रखा है एफ ठीक है एक्स वाले कॉलम में दे रखा है पांच छः, सात आठ नौ कितना दे रखा है पांच छ सात आठ नौ दे रखा है ठीक है एफ वाले कॉलम में दे रखा चार आठ चौदह चार आठ चौदह और ग्यारह तीन यहाँ पे क्या है ग्यारह और तीन ये ऐसा दिया हुआ है ठीक है ये क्या है ये जो है पद का मान है और ये क्या है पद की बारंबारता है क्या है बारंबारता है मीन्स जो x बराबर पाँच है वो किसी कहने का मतलब मान लो कोई कोई आंकड़े दिए रहे होंगे जो पाँच है ना वो ऐसे चार बार रहा होगा यहाँ पे पाँच के आगे चार लिखने का मतलब जो पाँच था वो चार बार था जैसे कहने का मतलब कि पाँच टॉफी रखने वाले चार बच्चे थे क्या थे पाँच टॉफी रखने वाले चार बच्चे थे ठीक है और क्या छः टॉफी रखने वाले आठ बच्चे थे सात टॉफी रखने वाले चौदह बच्चे थे आठ टॉफी रखने वाले ग्यारह बच्चे थे और नौ टॉफी रखने वाले तीन बच्चे थे अब मैं कह रहा हूँ कि इसका क्या निकालो इसका क्या निकालो समांतर माध्य निकालो ठीक है तो जैसे मैंने यहां पे लिखा कि पांच टॉफी रखने वाले चार बच्चे थे छह टॉफी रखने वाले आठ बच्चे थे ठीक है अगर हम इसका जो समा माध्य निकालेंगे तो हमने वही वाला पुराना फॉर्मूला पढ़ा ना कि कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या अब देखो इसको चाहो तो तुम चार इसको पांच बार चार बार पांच को जोड़ लो एक दो तीन चार पांच तो पांच पांच दस पांच पंद्रह पांच बीस या फिर इसको लिख लो चार गुड़े में पांच हो जाएगा ना वैसे यहाँ पे क्या है छः टॉफी रखने वाले आठ बच्चे थे तो इसको हम छः टॉफी रखने वाले आठ बच्चों को हम सीधे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं छः गुड़े आठ लिख सकते हैं ना या फिर छः को आठ बार जोड़ेंगे तो छः छः बारह छः अट्ठारह छः चौबीस छः तीस छः छत्तीस छः बयालीस छः अड़तालीस तो ऐसे करेंगे ना हम तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले इस टेबल को हम क्या करते हैं ये हॉरिजेंटल से इसको वर्टिकल में चेंज कर लेते हैं क्या हॉरिजेंटल से वर्टिकल में चेंज करेंगे तो चलिए यहां पे हम करते हैं सबसे पहले यहां पे लिखेंगे एक्स यहां पे लिखेंगे एफ एक्स में कितना दे रखा था चार से पांच से कहानी शुरू हुई थी पांच छ सात आठ और नौ यही कहानी थी ना उसके बाद इनकी बारम वार्ता थी चार आठ चौदह चार आठ चौदह ग्यारह और तीन ठीक है ठीक अब यहां पे हां तो हमने ये नहीं बताया कि अगर जब सारणीबद्ध होंगे तो इनका जो फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा ऑफ एफ एक्स सिग्मा ऑफ एफ एक्स बटे में यहां पे क्या हो जाएगा सिग्मा ऑफ F ठीक है यहाँ पे फिर हम इसको थोड़ा सा और जब शॉर्ट में करेंगे तो बड़ा सा सिग्मा बनाएंगे और F I X I बटे में F I और यहाँ पे I इज इक्ल टू वन टू एन क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू वन टू एन ये फार्मूला लगा के हम क्या निकालेंगे सिग्मा ऑफ और सॉरी एक्स बार निकाल देंगे और हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें मिलेगा माध्य मिल जाएगा ठीक है तो चलो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं एफ़ इंटू एक्स मतलब एफ एफ एक्स का गुणा कराएंगे तो पांच चौक बीस हो गया आठ छंग अड़तालीस हो गया चौदह सतह अट्ठानबे हो गया ग्यारह अट्ठे अट्ठासी हो गया और नौ तिरक सत्ताईस हो गया अब देखो सिगमा ऑफ एफ एक्स का मतलब यहाँ पे एफ वन इंटू एक्स वन जोड़ो एफ टू इंटू एक्स टू जोड़ो फिर क्या हो जाएगा एफ थ्री इंटू में एक्स थ्री जोड़ो डैश डैश ऐसे एफ एन इन में एक्स एन जोड़ो बटे में क्या हो गया यहां पे क्या जोड़ो एफ जो एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री डैश डैश यहां पे एफ एन ऐसे जोड़ना है ना तो इन सब को हम ऐसे ना जोड़ के क्या करें सीधे यहां पे इन सब को यहां पे हम जोड़ के लिख सकते हैं ना एफ एक्स तो यहीं पे हम जोड़ लेते हैं सिग्मा ऑफ एफ एक्स दिखाई दे रहा है ना क्यों भाई दिखाई दे रहा है अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा और इधर क्या जोड़ेंगे सिग्मा ऑफ एफ जोड़ेंगे ठीक है सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं आठ चार बारह बारह चार सोलह सोलह एक सत्रह सत्रह तीन बीस के जीरो हासिल दो ठीक है दो एक तीन तीन एक चार टोटल कितने बच्चा लोग थे चालीस बच्चा लोग थे ठीक है चालीस बच्चा लोग अब यहां देखो चार बच्चों के पास पांच टॉफी थी आठ बच्चों के पास छह टॉफी थी चौदह बच्चों के पास सात टॉफी थी ग्यारह बच्चों के पास आठ टॉफी थी और तीन बच्चों के पास नौ टॉफी थी तो अगर हम जोड़े कि कुल कितनी टॉफी हुई तो यहां पे पांच टॉफी वाले जब चार बच्चे थे तो कुल टॉफी बीस होगी आठ टॉफी वाले छह बच्चे थे तो कुल टॉफी अड़तालीस हो जाएगी वैसे सात टॉफी वाले चौदह बच्चे थे तो कुल टॉफी अट्ठानबे हो जाएगी आठ टॉफी वाले ग्यारह बच्चे थे कुल टॉफी अट्ठासी हो जाएगी और नौ टॉफी वाले तीन बच्चे थे कुल टॉफी सत्ताईस हो जाएगी तो यहाँ पे अब हम कुल पूरे उस क्लास की बात कर रहे हैं पूरे उस क्लास में कुल कितने बच्चे थे भाई ये चार बच्चे पांच टॉफी वाले चार छह टॉफी वाले आठ सात टॉफी वाले चौदह और आठ टॉफी वाले ग्यारह और नौ टॉफी वाले तीन थे तो कुल जोड़ने पर कितना बच्चा लोग आ रहे थे चालीस बच्चा लोग आ गए चालीस आए ना अब देखो ये चालीस आए और इनमें से जो चार सॉरी पांच ट्रॉफी रखने वाले चार बच्चे थे तो कुल मिला ये बीस ट्रॉफी हुई ऐसे पूरे क्लास में कुल मिला कितनी ट्रॉफी हुई हम इनको जोड़ लेते हैं ठीक है आठ 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 सोलह आठ त्रीस चौबीस चौबीस सात चौबीस सात इकतीस के एक हाँ से लगा तीन अब क्या करेंगे तीन दो पाँच पाँच आठ नौ 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 अट्ठारह अट्ठारह आठ छब्बीस छब्बीस दो अट्ठाईस हो गया ठीक है अब यहाँ पे हम जब एक्स बार निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा ऑफ एफ आई और एक्स आई बटे में सिग्मा ऑफ एफ आई ठीक है तो यहाँ पे दो आ गया है कितना है दो आया है और बटे में यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 40 एक बार जोड़ लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं आठ आठ सोला आठ तरीक चौबीस चौबीस सात इकतीस के एक हंसिल तीन तीन दो पाँच पाँच चार नौ 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 अट्ठारह आठ छब्बीस छब्बीस दो अट्ठाइस हो गया ठीक है अब देखो इसको भाग दे देते हैं भाग देंगे तो हम क्या दे देते हैं कितने को यहाँ पे दो सौ इक्यासी है ना हम चार से भाग दे देते हैं चार सतेह अट्ठाईस हो गया ठीक है चालीस से देंगे तो चार सतेह अट्ठाईस ये एक बचा कट गया दसमलव लगाया जीरो बढ़ाया यहाँ पे एक बार जीरो लगाया फिर एक जीरो बढ़ाया कितनी बार जाएगा चालीस दो ना अस्सी हो गया कितना बचा बीस दसमलव जीरो चार पाँच छः बीस तो यहाँ पे एक्स बार की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आएगी कि भाई एक्स बार की वैल्यू सात दसमलव जीरो दो पाँच मतलब कि प्रत्येक बच्चे को सात दसमलव जीरो दो पाँच ट्रॉफी दे दी जा सकती है ठीक है ये आपका राइट आंसर हुआ तो आपके ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसमें किया क्या करना कुछ नहीं एकदम ईजी है करना कुछ नहीं है एकदम ईजी बस आपको समझना है और अपनी पेन को अपने दिमाग के साथ चलाना है ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखते जाओ कुछ भी गुड़ा करते चले जाओ ठीक है हाँ अब एक बचा हुआ है कौन सा जब आंकड़े इसको इरेज कर देने नोट करना हो नोट कर लो, लो स्क्रीन ले लो यहां पे प्रत्यक्ष विधि से एक और पढ़ेंगे क्या होगा जब आंकड़े जब आंकड़े क्या हों वर्गीकृत हों क्या हो भाई जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो हमें यहाँ पे इसका समांतर माध्य कैसे निकालना सॉरी माध्य बार बार समांतर माध्य निकल रहा है तो इसका माध्य कैसे निकालना है ये जो है हम आपको तब बताएंगे जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि मैंने जो दो विधि बताई है वो आपके समझ में आई कि नहीं आई अगर आई है तो हम आपको ये वाली विधि बता देंगे तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए और दूसरे वीडियो के आने का वेट करिए तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए मस्त रहिए थैंक यू